सो हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो ये है अपना फ्रिक्शन का सेकंड लेक्चर। तो इस लेक्चर में अपन क्या क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में अपन एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे, पुश पुल के बारे में बात करेंगे, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी के बारे में बात करेंगे, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में बात करेंगे, उनके बढ़िया बढ़िया से न्यूमेरिकल देखेंगे और ये लेक्चर खत्म करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं, ये अपना फ्रिक्शन का सेकेंड लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन के साथ। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब क्या? मान लेते हैं कोई सरफेस है, ये कोई ब्लॉक है, इस पे इधर फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। तो इस पे नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ, बिल्कुल, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। तो नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किधर जाएगा? इधर की तरफ, रिजल्टेंट आर बोलूँगा। तो ये जो रिजल्टेंट है वो जो नॉर्मल से जो एंगल बनाता है ना, फाई अल्फा थीटा जो बोलना है बोल लो, ठीक है, उसी एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, तो अगर मैं इस फाई का टेन फाई ले लूँ, ठीक है, टेन फाई ले लूँ, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, टेन फाई मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है? आर एन, जिसको मैं फ्रिक्शन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में और ये परपेंडिकुलर भी इसी डायरेक्शन में, तो इसको मैं पैरेलली शिफ्ट कर देता हूँ। तो फ्रिक्शन बाय बेस क्या है? नॉर्मल, ये भी बोल सकता हूँ, या फिर फ्रिक्शन को मैं कन्वर्ट करके म्यू इंटू नॉर्मल लिख के नॉर्मल को नीचे ही रहने देता हूँ और नॉर्मल से नॉर्मल काट देता हूँ। तो मेरे को ये मिलता है कि ये जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। ओ भाई साहब, अच्छा ये होता है। तो ये जो पूरी जो राम कहानी है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है। अब जो है अपन क्या करेंगे, अब वाई पुश इज ग्रेटर फोर्स देन पुल पता करेंगे, मतलब वाई पुल इज ईजियर देन पुश भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इसको मैं मिटाऊंगा क्योंकि ये पूरा बोर्ड लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन ये देखने वाले हैं कि वाई पुल इज ईजियर देन पुश, जब अपन सेम फोर्स भी लगाए तो भी पुल जो है पुश से ज्यादा ईजी पड़ता है, क्यों? तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले अपन पुश का केस डिस्कस करते हैं कि मान लेते हैं कोई ब्लॉक है ऐसे करके, ठीक है, और इसको यहाँ से ऐसे एफ फोर्स से पुश किया जा रहा है थीटा एंगल से ऐसे, ठीक है। ये ऐसे एफ फोर्स से पुश कर रहे हैं इसको, ठीक। नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, और इस तरफ लग रहा है एफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ लग रहा है एफ साइन थीटा। हाँ लग रहा है बिल्कुल, ठीक है, पुश का केस देख रहे हैं अभी अपन, ठीक। और क्या क्या चीज़ें लग रही हैं? और तो कुछ भी नहीं लग रहा है, और ठीक है। तो एफ कॉस थीटा इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा क्या? हाँ, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन होगा क्या? बिल्कुल होगा। एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल बोल सकता हूँ क्या? हाँ, नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ से? एम जी प्लस एफ साइन थीटा है क्या? हाँ, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा लिख सकता हूँ क्या इसको? बिल्कुल लिख सकता हूँ इसको, है ना। अब जो है फोर्स फोर्स वालों को एक साइड ले जाऊँगा क्योंकि मेरे को फोर्स निकालना है। तो एफ कॉस थीटा माइनस म्यू एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, हाँ ठीक है। अब ब्लैक से लिखते हैं, तो यहाँ से एफ एफ कॉमन निकल जाएगा, तो एफ कॉमन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। अच्छा, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? म्यू एम जी बाय
कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अच्छा ये बात है। अब एक चीज और है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होता है ये इक्वेशन, ठीक है। क्या म्यू इज इक्वल्स टू टेन अल्फा। अभी अल्फा क्या है, ये है नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स के बीच का रिजल्टेंट, और ये रिजल्टेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच का एंगल है। मतलब ये नॉर्मल फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स, और ये रिजल्टेंट जो निकला है अल्फा, ये वो अल्फा है। तो अपने को पता है कि ये जो अल्फा है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये टेन अल्फा इसका वैल्यू होता है, ये म्यू के इक्वल होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ जहाँ भी म्यू दिख रहा है वहाँ टेन अल्फा डाल दूंगा, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा टेन, अब खिचड़ी बनेगा, अब एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन अल्फा को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा। इसको भी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा लिखूंगा, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बाय कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, ठीक है। तो अब फोर्स क्या बचेगा इधर, एम जी साइन अल्फा अपॉन कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़े ही नहीं हो, कहाँ से बोलोगे। तो मैं बता देता हूँ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो कॉस अल्फा प्लस थीटा हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे पास फोर्स का एक फॉर्मूला आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये लो ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अब तुम लोग बोलोगे क्या बता रहा है यार, ठीक है, फोर्स का एक फॉर्मूला आ गया, क्या बता रहा है, अपन को तो ये पता करना है, वही बताऊंगा आखिरी में। अभी ये सब समझ लो ये क्या कर रहा हूँ मैं, फोर्स का रिलेशंस क्यों निकाल रहा हूँ करके, ठीक है। अब जो है अपन पुल का केस लेते हैं। पुल पी यू एल एल पुल, ये ब्लॉक, ये फोर्स एफ, ये थीटा एंगल, ये इधर एफ कॉस थीटा, ऊपर एफ साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल, नीचे एम जी, और क्योंकि इधर एफ कॉस थीटा है तो इधर की तरफ फ्रिक्शन, ठीक है, ये सब फोर्सेस लग रहे हैं। अब क्या कुछ नहीं, अब f cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन होगा क्या, हाँ होगा, cos थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन बिल्कुल होगा। और नॉर्मल क्या होगा, mg माइनस f sin थीटा, यहाँ क्या हुआ था mg प्लस sin थीटा, यहाँ n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg है, तो n क्या हो जाएगा, mg माइनस f sin थीटा इस केस में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, एफ कॉस थीटा है इज इक्वल्स टू म्यू इंटू नॉर्मल है, नॉर्मल की जगह ये डाल दो, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। आगे इससे सॉल्व करते हैं, फोर्स फोर्स एक साइड लाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स कॉमन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हाँ अब जो है म्यू की जगह क्या डालेगा, टेन अल्फा, क्यों, क्योंकि टेन अल्फा जो है वह है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और एंगल ऑफ फ्रिक्शन म्यू के इक्वल होता है, तो म्यू की जगह टेन अल्फा डाल देने का, और टेन अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा एम जी बाय कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा
साइन थीटा म्यू अपॉन कॉस अल्फा। अब कॉस अल्फा को यहाँ भी ला लेते हैं, तो फोर्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा एम जी बाय कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। ठीक है, अरे म्यू नहीं आएगा यहाँ पे, म्यू की जगह ही तो टेन अल्फा डाले अपन। ठीक है, अपॉन कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा गया, क्या बचा एम जी साइन अल्फा। अब यहाँ पे देखना, हाँ कॉस थीटा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है। तो इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस अल्फा भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, या अल्फा माइनस थीटा, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखना यहाँ पे फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या, वन अपॉन कॉस थीटा माइनस अल्फा से इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में जो है फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर वन बाय कॉस अल्फा प्लस थीटा। ठीक है, तो पुल में क्या होगा थीटा माइनस अल्फा, मतलब क्या 60 माइनस 30, और इसको लेते हैं 60 प्लस 30। ठीक है, अल्फा को ले लेता हूँ क्या, थीटा को ले लेता हूँ 60 और अल्फा को ले लेता हूँ 30, तो 60 माइनस 30 30 डिग्री होगा, क्या हो जाएगा ये कॉस 30 जो कि होता है रूट 3/2। ठीक है, 60 प्लस 30 कॉस 90 जो कि हो जाएगा 0, मतलब ये जितना कम होगा ये जितना ज़्यादा होगा, मतलब कॉस अल्फा प्लस थीटा कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, वैसे ही इसमें भी कॉस थीटा माइनस अल्फा कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कॉस थीटा माइनस अल्फा बड़ा है कि कॉस अल्फा प्लस थीटा बड़ा है, ध्यान से सोच के बताना। ठीक है, ये कॉस अल्फा प्लस थीटा बड़ा है या कॉस थीटा माइनस अल्फा बड़ा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा, दिखने में तो ये बड़ा लग रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में बड़ा ये है। ठीक है, तो कॉस, क्योंकि कॉस थीटा माइनस अल्फा जो है बड़ा होता है कॉस थीटा प्लस अल्फा से, कैसे थीटा को तुम लोग 60 ले लो, अल्फा को 30 ले लो, तो 60 माइनस 30 कॉस 30, कॉस 30 होता है रूट 3/2, थीटा को मैंने 60 लेने बोला, अल्फा को 30 लेने बोला, 60 प्लस 30 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है 0, तो रूट 3/2 0 से तो बड़ा ही होगा ना, तो अपने को पता चल गया कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा से बड़ा है, तो मतलब ये जितना बड़ा है फोर्स उतना कम लगेगा, मतलब पुल में फोर्स कम लगने वाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कॉस थीटा माइनस अल्फा बड़ा है, तो पुलिंग फोर्स जो है वो पुशिंग फोर्स से कम होगा, क्यों, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर बड़ा है तो ये छोटा है, ये छोटा है तो ये बड़ा है ना, तो क्योंकि कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉस थीटा प्लस अल्फा से बड़ा है, इसीलिए फोर्स पुश का पुल से बड़ा है। अच्छा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का गेम है, अब समझ में आया। ठीक है, तो इन सब का ले लो पूरी तरह से स्क्रीनशॉट। अब अपन देखने वाले मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी, मतलब क्या किसी एक बॉडी को मूव कराने के लिए कितना मिनिमम फोर्स लगा सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं एक फोर्स, एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स थीटा एंगल पे लग रहा है। ठीक है, उसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो अभी अभी अपन देखे थे कि पुल वाले केस में फोर्स कितना लगता है, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, हाँ इतना लगता है। ठीक है, अब जो है मेरे को फोर्स को मिनिमम रखना है, तो क्या इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, हाँ तो इसको साइड ला लेता हूँ, वाई इज इक्वल्स टू
कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को अगर मैं मैक्सिमम कर दूं, ठीक है, तो क्या फोर्स अपने आप मिनिमम हो जाएगा? हाँ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, बिल्कुल ठीक है। तो मैक्सिमा या मिनिमा निकालने के लिए क्या अपन डिफरेंशिएट करते हैं? बिल्कुल, तो डी वाई बाई डी थीटा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन जो है ज़ीरो हो जाता है कब? जब कोई मैक्सिमा या मिनिमा निकालना रहता है, ठीक है। डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो अब इसको ज़ीरो से इक्वेट कर दिए तो अब क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा आ जाएगा क्या? हाँ, तो म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा आ जाएगा क्या? हाँ, तो म्यू इज इक्वल्स टू टेन थीटा आ गया। अब इस टेन थीटा को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो फोर्स एफ इज इक्वल्स टू टेन थीटा, या फिर टेन थीटा की जगह मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिखता हूँ, तो साइन थीटा एम जी बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा म्यू टेन थीटा है, तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं नीचे और ऊपर वाले को, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा गया और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो वन हो जाता है, तो फोर्स यहाँ से मेरे को पता चल गया कि एम जी साइन थीटा है क्या फोर्स मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम इतना पुलिंग फोर्स लगेगा तो क्या होगा, कोई भी बॉडी मूव करने लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, मिनिमम इतना फोर्स लगेगा पुलिंग वो भी, तो ये बॉडी मूव करने लगेगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, अ स्लेज ऑफ मास 10 किलो, मास से 10 किलो इज टू बी पुल्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद मिनिमम फोर्स, ठीक है। किसी मिनिमम फोर्स से जा रहा है, अब अपने को थीटा और ये फोर्स मिनिमम है वो निकालने बोला है, तो अपने को सबसे पहले पता है कि म्यू इज इक्वल टू तो टेन थीटा होता है, ठीक है, जो कि अपने पास दिया है 0.75, या फिर इसको अपन 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेन थीटा 3/4 कब होता है? जब थीटा 37 डिग्री होता है, ठीक है, याद रखे रहना इसको। टेन थीटा 3/4 कब होता है? जब थीटा 37 डिग्री दिया रहता है, ठीक है। अब मिनिमम फोर्स बोला है तो एफ मिनिमम अभी अपन निकाले एम जी साइन थीटा होता है, तो एम जी साइन थीटा मास कितना है 10 है ना, हाँ 10, जी कितना है 10, साइन 37 होता है 3/5, तो 5 से 2 टाइम्स 6, मतलब 60 न्यूटन जो है मिनिमम फोर्स है, ठीक है, ये है मिनिमम फोर्स। तो होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ऑफ रिपोस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। तो अब अपन बात करते हैं यार एंगल ऑफ रिपोज के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल सच दैट अ बॉडी प्लेस्ड ऑन ए प्लेन जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। इसको छोड़ो, अपन लेते हैं फील, चलो दिखाता हूँ क्या होता है रिपोज। ये हो गया और हाँ, इसको ले लेते हैं। तो देखो भाई, मान लेते हैं ये टेप जो है ये ब्लॉक है, और ये जो ब्लॉक है ये कोई इंक्लाइंड सरफेस है। अब जो है मैं इसको ऊपर करूँगा, ठीक है, तो टेप नीचे नहीं गिर रहा है, और इंक्लाइंड किया टेप नीचे नहीं गिर रहा है, और इंक्लाइंड किया हॉरिजॉन्टल से टेप नीचे नहीं गिर रहा है, और इंक्लाइंड किया हॉरिजॉन्टल से टेप नीचे नहीं गिर रहा है, टेप नीचे अब गिरा 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 गिरा, मतलब जो जिस एंगल पे कोई भी जो बॉडी है वो नीचे गिरनी चालू हो जाएगी, ठीक है, उसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। मतलब जो एंगल ये जो हॉरिजॉन्टल वाले से ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वो बनाएगा, जब ये नीचे गिरना चालू होगा, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, ऐसे करके ये ऐसा,
ठीक है, इस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, मतलब वो मिनिमम एंगल जब कोई भी बॉडी इस इंक्लाइंड सरफेस पे स्लाइड होना चालू हो जाएगी, ठीक है, इसको अपन थीटा से रिप्रेजेंट, ठीक है। तो अब जो है इधर लग रहा है एम जी साइन थीटा और इधर लग रहा है फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा है नॉर्मल और इधर लग रहा है एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो अपने को पता है कि फ्रिक्शन जो है वो म्यू इंटू नॉर्मल होता है, जो कि एम जी साइन थीटा के इक्वल रहेगा इस कंडीशन में। हाँ बिल्कुल दिख तो रहा है, इधर एम जी साइन थीटा इधर फ्रिक्शन दोनों दोनों इक्वल, हाँ ठीक है। अब जो है एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी गया तो म्यू क्या हो जाएगा टैन थीटा। मतलब अपने को ये पता चल गया कि कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो एंगल ऑफ रिपोज के टैन वाले कंपोनेंट के इक्वल हो गया। क्या ऐसा ही कुछ अभी थोड़ी देर पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन में देखा गया था, म्यू इज इक्वल टू टैन फाई करके, और फाई क्या था एंगल ऑफ फ्रिक्शन था। तो क्या यहाँ इन दोनों को मिला के मैं टैन थीटा इज इक्वल टू टैन फाई बोल सकता हूँ क्या? मतलब क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज बोल सकता हूँ क्या? अरे बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन मिल गया, क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत ठीक है, ठीक है। और जो है जब ये म्यू जो है अगर बॉडी स्लाइड कर रही है, बॉडी स्लाइड कब करेगी, जब हाँ जब ये टैन थीटा जो है म्यू से बड़ा होगा, ठीक है। अगर म्यू टैन थीटा से बड़ा है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, स्लाइड नहीं करेगी, ठीक है। म्यू अगर टैन थीटा से बड़ा है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, बॉडी कब स्लाइड करेगी जब टैन थीटा म्यू से बड़ा हो, ठीक है। इसको भी जो है तुम लोग देख लेना अच्छे से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको भी डालो डब्बे में, ठीक है। ये कंडीशंस हो गए सारे एंगल ऑफ रिपोज से रिलेटेड। अब जो है अपन इस एग्जांपल की तरफ कूदते हैं। तो अपने को बोला ब्लॉक ऑफ मास 2 kg सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऐसे कोई इंक्लाइंड सरफेस बना लेते हैं, ठीक, अपने को दिया है एक ब्लॉक 2 kg का, ठीक है, इज रिलीज्ड इन अ गिवन इंक्लाइंड प्लेन, म्यू एस मतलब क्या बोलते हैं स्टैटिक कोफिशियंट दिया हुआ है 0.4 और काइनेटिक कोफिशियंट दिया है 0.3, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बोला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्लॉक नीचे गिरेगा कि नहीं पहले, तो एक सेकेंड, यहाँ पे 53 डिग्री दिया है, ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक सेकेंड मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, अरे कहाँ गया रे क्वेश्चन, कहाँ गया कहाँ, हाँ ये 53 है, ये 2 kg का है, ये 53 डिग्री दिया हुआ है ना, ठीक है, ये दिया हुआ है ऐसा, ठीक। तो अपने को पता है कि टैन 53 अगर म्यू से बड़ा होगा तभी ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड करेगा, कैसे, इस कंडीशन से, जब टैन थीटा म्यू से बड़ा होगा तभी जो है ये स्लाइडिंग वाला केस आएगा, हाँ ठीक है। तो टेन 53 क्या होता है, टेन 53 होता है 4/5 परपेंडिकुलर, तो टेन साइन 53 होता है परपेंडिकुलर, मतलब 4/3 हो गया यार, 4/3 इज ग्रेटर देन म्यू, कितना दिया हुआ है 0.3, हाउ 0.3 से तो बड़ा है 4/3, है ना, मतलब यहाँ स्लाइडिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो एम जी साइन थीटा इधर लगेगा और एक फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा,
नॉर्मल इधर लगेगा, एम जी कॉस थीटा इधर लगेगा, ठीक है। तो अब जो है अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, पहले नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नीचे गिर रहा है तो एम जी साइन 53 माइनस म्यू इंटू नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल, म्यू एम जी कॉस 53, ठीक है, ये हो जाएगा नेट फोर्स। अब जो है एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ नेट बाय मास, तो ये क्या हो जाएगा, जी साइन 53 माइनस म्यू के जी कॉस 53 निकालते हैं। तो 10 इंटू 53 हो जाएगा 4/5 माइनस 0.3 इंटू 10 इंटू 3/5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, तो 4 2 8 माइनस 0.32 टाइम्स 6, 6 3 18 मतलब 1.8, मतलब ये हो जाएगा 6.2। क्या आया एक्सेलरेशन अपने पास, 6.2 आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक, ब्लॉक पे कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो सेकंड कंडीशन, कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के दिया है 0.3, एन क्या है, एम जी कॉस थीटा, तो एम कितना दिया है, 2 10 कॉस 53 हो जाएगा 3/5, तो 5 से 2 टाइम्स कटा, 2 इंटू टू 4 इंटू टू 4 4 इंटू 3 12, एक सेकेंड, 3 3 3 6 नहीं 3 3 9 9 2 18 18/5 6 3 6 6 2 12 12 इंटू 0.3 या फिर 12 3 36 3.6 आएगा फ्रिक्शन, 3.6 न्यूटन, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब है आगे जो है कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं, उसके बाद वीडियो रैप अप करेंगे। तो चलो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, अ ब्लॉक टेक्स एन टाइम्स एज मच टाइम टू स्लाइड डाउन ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 45 डिग्री एज इट टेक्स टू स्लाइड ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। मतलब क्या, मान लेते हैं ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और इसमें टाइम टी इज इक्वल टू टी नॉट लग रहा है, ठीक है, और एक रफ इंक्लाइंड प्लेन लेते हैं सेम एंगल का 45 डिग्री का, ठीक है, इसमें टाइम कितना लग रहा है, एन टी नॉट लग रहा है, ये टी वन ये टी टू, ठीक है, स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ सेम इंक्लिनेशन। फाइंड म्यू, म्यू पता करना है, इसमें जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है उसको पता करना है। तो चलो यार पता करते हैं। तो सबसे पहले इस कंडीशन में ये टी नॉट टाइम है, तो मान लेते हैं ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी चलने वाला है, तो डी इज इक्वल्स टू हाफ ए टी नॉट स्क्वायर होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। और टी टू के में क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे लगेगा सिर्फ एम जी साइन 45, एम जी साइन 45, ठीक है, नीचे लगेगा एक्सेलरेशन। तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम जी साइन 45 टी नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब जो है मान लेते हैं ये जो है फ्रिक्शन के साथ डी डिस्टेंस चलेगा, तो इधर तो एम जी साइन 45 लगेगा, एम जी साइन 45, लेकिन इधर जो है एक फ्रिक्शन भी लगेगा, तो यहाँ पे डी इज इक्वल हो जाएगा हाफ ए क्या हो जाएगा, एम जी साइन 45 माइनस म्यू इंटू एन, एन क्या है यहाँ पे, एम जी कॉस 45, एम जी कॉस 45 इंटू हाफ ए टी स्क्वायर है ना, यहाँ पे टी नॉट का स्क्वायर है ना, तो टी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, एन टी नॉट का स्क्वायर,
ठीक है। अब ये डी है, ये भी डी है, दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा एम जी बाय, इसको जो है मैं ब्लैक से लिखता हूँ, दोनों को इक्वेट कर देते हैं, किसको किसको, ये वन और ये टू को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एम जी बाय टू साइन 45 हो जाता है 1/√2, तो टी नॉट स्क्वायर बाय रूट टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो जाएगा एम जी बाय रूट टू माइनस म्यू एम जी बाय रूट टू एन स्क्वायर टी नॉट का स्क्वायर। तो यहाँ से ये टी नॉट का स्क्वायर, यहाँ से ये टी नॉट का स्क्वायर गया, ठीक है, यहाँ से ये टू, यहाँ से ये टू गया, यहाँ से ये एम जी, यहाँ से एम जी, एम जी कॉमन निकाल के गया, ठीक है। और क्या गया, तो यहाँ बच्चा, तो ये बच्चा क्या, एक सेकेंड, और ये जो है तो यहाँ बच्चा 1/√2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से 1/√2 कॉमन, तो 1/√2 इंटू क्या हो जाए यहाँ पे 1 - μ (n²). अब ये ऐसे ही अभी चला गया, तो एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नहीं अपने को तो म्यू निकालना है ना, तो म्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, यहाँ 1 बचेगा, तो म्यू क्या आ जाएगा 1/n², 1/n² एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हो गया कुछ, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है हमसे। देखो यार, तो 1 = 1 - μ (n²), तो अपने को म्यू निकालना है, तो 1/n² और म्यू को इधर ला देंगे, तो 1 - 1/n², तो μ = क्या आ जाएगा (n²) - 1/n², ये लो, ये आ गया अपना कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, बोला है कि हाउ फार डज, देखो एक ब्लॉक दिया है, म्यू दिया है 0.2, उसको ऊपर वेलोसिटी की तरफ फेंका है मतलब वो इनिशियली जीरो पे था, उसको ऐसे ऊपर वी वेलोसिटी से फेंके, ठीक है। तो क्या बोला, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप द प्लेन, मतलब कितना दूर जाएगा वो प्लेन में, मतलब अपने को सीधा सीधा क्या निकालना है, अपने को डिस्टेंस निकालना, तो अपने को v² = u² + 2as लगाना पड़ेगा, तो उसमें से s निकालना है, लेकिन अपने पास u 0 है, v दिया हुआ है 10, लेकिन एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो इधर लगेगा क्या mg sin 30, और इधर लगेगा क्या फ्रिक्शन, ठीक है। तो जो है एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin 30 - μg cos 30, ठीक है, यही होगा एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 10 sin 30 होता है 1/2, मतलब 5 माइनस म्यू कितना दिया है 0.2 × 10 = 2 × cos 30 होता है √3/2 होता है ना, cos 30 √3/2, हाँ, तो ये सिर्फ √3 हो जाएगा, तो ये जो है मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इस एक्सेलरेशन को यहाँ डाल दूंगा, एक सेकेंड यार, cos 30 होता है √3/2, हाँ होता तो है, 30 डिग्री दिया है, म्यू क्या है 0.2, जी क्या है 10, तो 0.2 × 10 = 2 × √3/2, तो सिर्फ √3, हाँ, तो 5 - √3, इसका वैल्यू 1.7 डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.3 के आसपास कुछ, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब जो है यहाँ देखते हैं, तो v² = u, तो 0 है, तो ये हो जाएगा 2 × a की जगह 3.3 × s, क्या है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस चलने वाला है वो है, और वही डिस्टेंस तो मतलब इस तरफ जाएगा ना, एक सेकंड यार, मैं कुछ गलती तो नहीं कर दिया, नहीं, कुछ गलती हो गया है यहाँ पे, एक सेकंड, इसको फिर से मिटाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन गलत निकला है यहाँ पे, क्योंकि वो ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है, ब्लॉक तो नीचे नहीं जा रहा है यार, तो ब्लॉक तो ब्लॉक किधर जा रहा है, ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन g sin 30 + friction होगा, तो μ g cos 30,
एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 + √3 होगा। ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यही होगा ना, √3 होगा ना, हाँ, यू स्क्वायर प्लस 2 AS। ठीक है, तो यहाँ तो ये जीरो है, तो वी स्क्वायर, वी तो दिया 10, 10 का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2 × 5 + √3 या फिर 1.7 कर दो तो 6.7 हो जाएगा। ये √3 की वैल्यू 1.7 होती है ना, याद रखे रहना, तो इस 6.7 भी लिख सकते हैं इसको, तो 6.7 लिख देते हैं इनटू एस, तो एस क्या हो जाएगा 100/2 × 6.7 50। अब ये क्या होगा 500/67, बाप रे, तो ये कितने टाइम्स में जाएगा यार, 7 टाइम्स में, तो ये 6.8 के आसपास आएगा इसका आंसर। 6.8 या 6.7 समथिंग ये आएगा कुछ। ठीक है, ये डिस्टेंस होगा। अब सेकेंड वाला देखते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट मूव अप प्लेन, ये कितना कितना ऊपर जो है कितने देर में पहुंचेगा, हाउ फार डज द ब्लॉक मूव अप द प्लेन, हाउ लॉन्ग डज इट मूव अप द प्लेन, इसमें टाइम पूछा है, हाउ लॉन्ग मतलब टाइम। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, ये तो अपन निकाल चुके हैं वहाँ पे। ठीक है, तो v कितना है, v दिया है 10, u दिया है 0, a कितना दिया है 6.7 इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू 10/6.7 100/67 33 बचेगा, पॉइंट डालूंगा 0, तो अब कितना बार जाएगा, 1.4 मान लो ना यार, ठीक है कन्वीनियंस के लिए, तो 1.4 सेकंड में हो जाएगा। आफ्टर व्हाट टाइम इट कम बैक टू बॉटम, कितने टाइम के बाद वो बॉटम में आएगा, तो एक तो टाइम लग रहा है ये 1.5 ही लेते हैं इसको। ठीक है, एक तो ये लग रहा है 1.5, ठीक है, कि क्या होने में, यहाँ से और ऊपर जाने में 1.5 सेकंड लग रहा है, अब वापस नीचे आने में कितना लगेगा, तो उसके लिए अपने को अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तो थर्ड वाला जो है अपने को अलग से करना पड़ेगा। यहाँ पे इन सब को तामझाम को मिटाओ। ठीक है, तो अब जो है क्या हो रहा है, अब ब्लॉक जो है ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है, इतना टाइम लग चुका है, अब नीचे आना है उसको। ठीक है, कितना डिस्टेंस नीचे आना है, इतना डिस्टेंस 6.8 नीचे आना है। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, और एक्सेलरेशन भी कुछ और लगेगा, क्योंकि mg sin 30 इधर लग रहा है और फ्रिक्शन इधर लग रहा है, mg sin 30 जो है नीचे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन जो है इधर की तरफ लग रहा है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालूंगा तो मैं मेरे पास आ जाएगा 5 - √3। क्यों, क्योंकि पहले प्लस किया था, अब माइनस करना पड़ जाएगा ना भाई साहब, तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में क्या आ जाएगा मेरे पास 3.37 के आसपास। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा 3.3 के आसपास। ठीक, ये एक्सेलरेशन आ गया, अब जो है s इज इक्वल टू 1/2 AT² लगा सकता हूँ, 1/2 UT + 1/2 AT² होता था, लेकिन u तो 0 है। ठीक है, तो 1/2 AT² अब ये s क्या है, s ये वाला डिस्टेंस है। ठीक है, तो टाइम कैसे निकाल सकता हूँ मैं, 2s, अच्छा हाँ 2s/a का रूट। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, √2 × 6.8/3.3 के आसपास कुछ आएगा, 2.1 ले लेते हैं इसको। ठीक है, 2 के आसपास ही आएगा, कैलकुलेट कर चुका हूँ। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लगने वाला है इसको, पहले यहाँ से ऊपर जाने में 1.5, फिर ऊपर से यहाँ आने में 2.1। ठीक है, तो 1.5 + 2.1 = 2.6 टाइम लगने वाला है सेकेंड। ठीक है, थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लो।
तो अब जो देखते हैं अपन अपना आखिरी क्वेश्चन, जो कि आज का मस्त क्वेश्चन होने वाला है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि एक कोई ब्लॉक है जिसमें इधर एम जी साइन थीटा लग रहा है, थीटा 37 डिग्री है, म्यू 0.5 है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है और 10 किलो का वो बॉडी है, ठीक है। तो पहले बोला है एक्सेलरेशन निकालना है, तो चलो यार पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी स्लाइड कर भी पाएगी कि नहीं। तो स्लाइड करने का क्या रहता है, टेन थीटा जो है वो म्यू से बड़ा रहना चाहिए, तो टेन 37 होता है 3/4, ठीक है, जो कि होता है 0.75, जो कि 0.5 से बड़ा है, तो ये जो है स्लाइड करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 0.75 0.5 से बड़ा होता है, और 0.5 क्या है, म्यू, म्यू से बड़ा रहना चाहिए, तो ये स्लाइड तो करेगा, ठीक है। नीचे क्या लग रहा है, एम जी साइन थीटा, साइन 37 लिखना सही रहेगा, ठीक है, माइनस म्यू एम जी कॉस 37 इज इक्वल टू एम ए, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जी साइन 37 मतलब 10 इंटू साइन 37 होता है 3/5 माइनस 0.5 इंटू 10 इंटू 4/5, ठीक है। तो 5 2 एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 × 6 माइनस, और ये 5 5 × 5 कट गए 4, मतलब 2 m/s² एक्सेलरेशन। अब एक और कंडीशन दिया है इसमें, क्या, नाउ एफ इज इक्वल टू 75 न्यूटन अप्लाइड ऑन ए ब्लॉक, फाइंड आउट एक्सेलरेशन। अब जो है क्या हुआ है कि इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ एक 75 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया है, तो अब जो है फ्रिक्शन पहले इधर लग रहा था, वो फ्रिक्शन अपना पलटी मार देगा और फ्रिक्शन अब इधर लगने लग जाएगा, और एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा था इधर, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो अब एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन 37, ठीक है, सेकंड वाले केस में। तो अब क्या होगा, ये अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू फोर्स माइनस एम जी साइन 37 हो जाएगा, ठीक। अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस कंडीशन में, तो एक्सेलरेशन एक सेकंड, तो एक्सेलरेशन कब करेगा, जब ये आगे पीछे होगा, ठीक है, उसके लिए पहले फ्रिक्शन देखना पड़ेगा। तो ये जो है 75 है माइनस एम जी, एम कितने 10 इंटू 10 साइन 37 3/5 मतलब 5 × 2 क्या 6 मतलब 60, ये आया 15, ठीक है। और ये तो हो गया फ्रिक्शन कब किस मेथड से निकाले अपन, इस मेथड फ्रिक्शन को नॉर्मल लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे तो क्या कितना आएगा देखते हैं, तो वो आता है म्यू इंटू नॉर्मल, जो कि है 0.5 इंटू एम जी कॉस 37, जो कि आ जाएगा 0.5 इंटू एम कितना है 10, जी कितना है 10, कॉस 37 4/5 2 कर जाएगा 5/8 80 एक सेकेंड 10 तो 5 इंटू 10 8 8 5 = 40 आएगा ये, ठीक है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 आ रहा है और ये वाला फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन 15 आ रहा है, तो मतलब एफ लिमिटिंग जो है वो एफ स्टैटिक से बड़ा है। तो ये जो ब्लॉक है जब इस पर 75 का न्यूटन का फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे करके, तो ये मूव करना बंद कर देगा, क्योंकि नीचे का फ्रिक्शन जो है ऊपर से ऊपर के फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको ये वाला जो फ्रिक्शन है वो क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, किसी भी चीज़ को क्रॉस करने के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन को पार करना पड़ता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन 40 न्यूटन है, ये 15 न्यूटन है, ये अगर 40 न्यूटन से ज़्यादा होता है ये वाला फ्रिक्शन, तभी ये जो है ब्लॉक आगे पीछे होता, अब तो हो ही नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन का तो कोई बात ही नहीं होता था, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो ये क्या बोलता है, इफ सिस्टम ए एंड बी रिलीज्ड फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, ठीक है, ए ये है बी ये है, ए और बी को रिलीज कर दिए, अब एक्सेलरेशन ऑफ ए पूछ दिया है मेरे से, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, तो इधर लग रहा है उसके टेंशन, इधर लग रहा है क्या एम जी साइन 45 ऊपर नॉर्मल, ठीक है, और क्या लग रहा है, और फ्रिक्शन भी इधर ही लग रहा है,
क्यों? क्योंकि 2m है ये, तो इधर ही मूव करेगा, तो फ्रिक्शन भी इधर, ठीक है। तो ये a का हो गया, अब b का बनाते हैं, तो इधर क्या लगेगा, एम जी नहीं 2mg साइन 45, ठीक है। और क्या लगेगा, और फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक है, और टेंशन भी इधर लगेगा, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं, तो टेंशन माइनस mg साइन 45 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नेट फोर्स है और ये एफ इज इक्वल टू एम ए लगा के नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन बनाया, इसको पहला केस बोलते हैं। दूसरा, ठीक है, दूसरा क्या है, मान लेते हैं इधर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा 2mg माइनस टेंशन माइनस ये F1 ले लेते हैं फ्रिक्शन 1, इसको F2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो माइनस F2 इज इक्वल्स टू 2ma हो जाएगा ये, ठीक है, इधर मास m था, इधर 2ma, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये सेकंड वाला ले लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, t से t कट जाएगा, और क्या बचेगा, 2mg साइन 45 है ये, ठीक है। तो 2mg साइन, तो इसको इसको ऐड करेंगे, तो ये टेंशन से ये टेंशन कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ mg साइन 45। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि यहाँ 2mg साइन 45 है और यहाँ माइनस mg साइन 45 है, तो दोनों ऐड कट जाएगा, और ये टेंशन से ये टेंशन तो कट गया है, माइनस ऑफ फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2, दोनों को ब्रैकेट में ले लिया हूँ, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3ma हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, फ्रिक्शन 1 प्लस फ्रिक्शन 2 निकालते हैं, इज इक्वल्स टू आ गया mg साइन 45 माइनस 3ma प्लस फ्रिक्शन 2, इतना आ गया, ठीक है। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं, तो F1 प्लस F2 लिमिटिंग निकालना है, तो क्या आ जाएगा, μ1 N1 प्लस μ2 N2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, मान लेते हैं कि μ1 कितना है, 2/3 इंटू mg cos 45 प्लस μ2 कितना है, 1/3 2mg cos 45, तो 2/3 दोनों जगह है, दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/3 mg cos 45, ठीक है। तो ये बड़ा है कि ये बड़ा है, मेरे को देख के बताओ कौन सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है, 4/3 mg cos 45 कि mg sin 45 माइनस 3ma ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 समथिंग होगा mg बाय रूट 2, ठीक है, और ये कितना होगा, mg बाय रूट 2 माइनस 3ma, यहाँ माइनस भी आ गया है, तो ऑब्वियसली जो है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, F1 प्लस F2 लिमिटिंग जो है वो ज़्यादा है किससे, F1 प्लस F2 से, ठीक है। तो यहाँ पे जब लिमिटिंग फ्रिक्शन ही ज़्यादा है, जब ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन कोई पार नहीं कर पाया, तो एक्सेलरेशन क्या खाक होगा, तो एक्सेलरेशन यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, नो एक्सेलरेशन, वो ब्लॉक हिलेगा ही नहीं वो, ठीक है। होप यार ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो इसी के साथ ये लेक्चर अपन रैप अप करते हैं, बाय बाय।